अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग जो मशीन के साथ एम्ब्रॉयडरी करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जैकेट के ऊपर और ट्राउज़र के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की गई है उसको हमने किस तरीके से डन करना है, इसकी अलग से डिटेल वीडियो मिलेगी। तो यहाँ पर जो मशीन के साथ हमने कार्ड एम्ब्रॉयडरी की है, उसके बाद हमने जैकेट के ऊपर, इसके फ्रंट के दो पल्लों पर और बैक पर भी एम्ब्रॉयडरी की है, और इसके साथ साथ ट्राउज़र पे भी हमने इसके मोटिव्स जो है वो अटैच किए हैं, एप्लिक वर्क किया गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ एम्ब्रॉयडरी और एप्लिक वर्क करना सीखेंगे। अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग चाहिए है तो वो अलग से वीडियो चैनल पर डिटेल वीडियोस फ्रॉक की भी और जैकेट की भी मौजूद है, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो का टॉपिक पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिज़ाइन चल रहे हैं तो अपने डिज़ायर डिज़ाइन तक पहुंचने के लिए हमें मशीन को बार बार स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन आ गया है जो हम बनाना चाह रहे हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है और इसी तरीके से दो दो फ्लावर्स मैं यहाँ पर बनाऊँगी, दो फ्रंट पर जैकेट के लगाने के लिए और दो फ्रंट जो इसकी जैकेट की बैक है उसके ऊपर लगाने के लिए। एम्ब्रॉयडरी करते टाइम आपने फीट डॉग्स को या दंदानों को नीचे कर लेना है। ये बैक की तरफ इसका बटन लगा होता है, आपने इसको आगे की तरफ प्रेस कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग कार्ड एम्ब्रॉयडरी के लिए पी फुट यूज़ करते हैं, आप वो लगा लोगे। We'll be right back.
यहाँ पर आप अपने फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हो कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़े भी ज़्यादा दूर दूर करके फ्लावर्स ना बने, तो आपने अपने फ्रेम को उस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। आपने स्क्रू को ओपन करना है और उसको बिल्कुल कॉर्नर पर जाकर एडजस्ट करना है, ताकि आपका जो फ्लावर न्यू बनेगा ना, वो बिल्कुल कॉर्नर पर बनेगा, ना कि दरमियान में फ्रेम के बनेगा। ठीक है, ये देखें, अगर आप इसको आगे एडजस्ट करते हैं तो ये यहाँ पर आपका नेक्स्ट कॉर्नर पर या मिड में जाकर फ्लावर बनेगा, और अगर आप इसको बिल्कुल इस तरीके से एंडिंग पर ले आओगे तो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर आकर फ्लावर बनेगा। और इस तरीके से आप अपने कपड़े को कम यूज़ करते हुए ज़्यादा फ्लावर जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने अपनी जैकेट के ऊपर इन एम्ब्रॉयडरी फ्लावर्स को सेटल करना है। सबसे पहले आपने हाफ हाफ इंच रख देना है अपनी सीम अलाउंस पर, जो कि आपका सिलाई में चला जाएगा। जो भी आपका मोटिव होगा उसका आपने अंदाज़ा खुद से लगाना है। मैं यहाँ पर फ्लावर को जो है एज अ मिड पॉइंट लेकर चलूँगी और फ्लावर को मैं एडजस्ट करूँगी, नीचे से भी 3 इंच रखूँगी और साइड से भी 3 इंच के ऊपर रखते हुए यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। इसके ऊपर मैं इस पॉइंट पर निशान लगाने के बाद यहाँ पे फ्लावर को एडजस्ट करेंगे, अपने मोटी को स्ट्रेटन करेंगे और उसके बाद हमने इसको फैब्रिक ग्लू के साथ पेस्ट कर देना है। बैक पर हम यहाँ पर जो हमारे पास क्रीज लाइन होगी बैक की सेंटर लाइन, उसको हम एज अ मिड पॉइंट लेकर चलेंगे। और इसके दोनों साइड पर हमने पहले एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है और इस मिड पॉइंट के, इस मिड क्रीज के दोनों तरफ हमने तकरीबन हाफ हाफ इंच या दो दो सूत्र के डिस्टेंस के ऊपर अपने फ्लावर्स को एडजस्ट करते हुए पेस्ट कर लेना है। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन आई है उसके ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर हमारे पास फ्लावर आना चाहिए, फ्लावर उससे ऊपर या नीचे ना हो, तो ये आपके मोटिव बिल्कुल स्ट्रेटन जो है वो अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पर जेनो मशीन के साथ हम इसको एप्लिक कर लेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पर जेनो मशीन को फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी मोड पर जो है वो कर दिया है। इसके पीच टॉक्स नीचे कर दी है, स्टिच नंबर 1 सिलेक्ट किया है और मैं मशीन को जैसे ही चलाऊंगी तो ये देखिए इस तरीके से ये वर्क करेगी। तो अब हमने सेम कलर का एम्ब्रॉयडरी के साथ का वही थ्रेड लेकर और इसकी आउटलाइन ड्रॉ करते जाना है, तो ये यहाँ पर एप्लिक हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको काबी के साथ या सोल्डरिंग आयरन के साथ के ऑर्गेन्जा को रिमूव कर लेंगे। जहाँ पर हमारे पास स्किन कलर का फ्लावर आएगा वहाँ पर हम थ्रेड चेंज कर देंगे। पहले सारा वर्क हम पिंक कलर के थ्रेड से कर लेंगे, उसके बाद ऑफ वाइट कलर लगाएंगे और फिर उस सारे को एप्लीक कर लेंगे।
पास इसकी फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने जैकेट के ऊपर सारा वर्क किया है, सेम ऐसे ही ट्राउजर के ऊपर भी मैंने यही एम्ब्रॉयडरी बनाकर ऑर्गेन्जा के ऊपर और ट्राउजर के ऊपर भी दो दो मोटिव्स अटैच कर लिए हैं। टोटल 8 फ्लावर्स हमने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी किए थे अपने ऑर्गेन्जा के ऊपर और देन उनको अप्लाई कर लिया। तो आई होप आपको आज का आइडिया और वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।